गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीना चौबे, योर कंप्यूटर टीचर. टुडे आई एम हियर टू डिस्कस विथ यू टॉपिक कीबोर्ड. इंट्रोडक्शन. वी नो डैट अ कीबोर्ड इज यूज टू राइट ऑन अ कंप्यूटर. कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट कीबोर्ड. यहाँ पे हम सब जानते हैं कि कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंप्यूटर में कुछ भी लिख सकें. कीबोर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, और आज हम इस चैप्टर में कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे. कीबोर्ड. वी कैन राइट ऑन अ कीबोर्ड ऑन अ कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द की ऑन अ कीबोर्ड. दिस इज कॉल्ड टाइपिंग. हमको कुछ भी कंप्यूटर में लिखने के लिए कीबोर्ड में जो बटन है उस की को हम प्रेस करते हैं, उसको एक टाइपिंग भी कहते हैं. कीबोर्ड हैज़ मेनी स्मॉल बटन्स. कीबोर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं. सम ऑफ देम हैव लेटर्स एंड नंबर्स रिटन ऑन देम. कीबोर्ड में जो भी छोटे छोटे कुछ लेटर्स के होते हैं, कीज कुछ नंबर्स के होते हैं, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में लिखते हैं. वी कैन यूज़ अ कीबोर्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर्स. हम कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमको क्या उसमें लिखना है. टाइप्स ऑफ कीज. अ कीबोर्ड हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ कीज. कीबोर्ड में तीन टाइप्स के कीज होते हैं. फर्स्ट अल्फ़ाबेट कीज, सेकेंड नंबर और न्यूमेरिक कीज, थर्ड इज स्पेशल कीज. फर्स्ट अल्फ़ाबेट कीज. द की ऑन विच यू सी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज. दीज आर यूज टू टाइप लेटर्स एंड वर्ड्स. अल्फ़ाबेट की हम उसको कहते हैं जिसमें हमें ए टू जेड तक लिखा रहता है, उसको हम अल्फ़ाबेट की कहते हैं. इस की का इस्तेमाल हम लेटर टाइप करने के लिए या वर्ड्स टाइप करने के लिए, किसी का नेम लिखने के लिए अल्फ़ाबेट की का हम इस्तेमाल करते हैं. नंबर और न्यूमेरिक कीज. द की ऑन विच यू सी नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड 0 आर कॉल्ड नंबर की. दीज आर यूज टू टाइप नंबर्स. इस की में हम देख सकते हैं कि 1 से 9 तक नंबर लिखा होता है, 0 भी लिखा रहता है. इस की का हम इस्तेमाल नंबर्स को टाइप करने के लिए इस्तेमाल में लाते. स्पेशल की. द कीज ऑन विच यू सी वर्ड्स आर कॉल्ड स्पेशल कीज. दीज आर यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क सच एज मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन. व्हील टाइपिंग इज डन यूजिंग एंटर की. स्पेशल की में बहुत सारे कीज होते हैं जिनका अपनी जगह पे अपना ही एक अलग रोल होता है. स्पेस बार की लॉन्गेस्ट, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड. स्पेस बार की एक लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड में, जिसमें हम स्पेस लेते हैं लिखने के लिए. कैप्स लॉक की. द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर. अगर हमको कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखना है तो हम कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करते हैं. बैक स्पेस की. When we make a mistake while typing, we can erase it by erasing the backspace key. Backspace key का इस्तेमाल हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं और हमसे कोई mistake हो जाती है तो उसको erase करने में हम backspace key का इस्तेमाल करते हैं. और enter key. Enter key का इस्तेमाल हम next line में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर हमने one line लिख लिया और हमको अब next line में move करना है तो हम enter key का इस्तेमाल करते हैं. On the basis of what we have studied till now, there are few questions for giving to you assignment student. यहाँ पे आपको कुछ question दिए गए हैं जिसका answer आपको put up करना है. Question number 1, name the different types of key on the keyboard. Question number 2, which special key is used to move to the next line. Question number 3, write the names of any 3 special keys. Question number 4, fill in the blanks. A dash, K
key are used to type letters and words. B. Dash key are used to type numbers. C. The dash is the longest key on the keyboard. D. The dash key help us to type capital letters. Thank you. Have a nice day.